युवा में रोष है, सरकार के खिलाफ रोष है बिल्कुल, और चुनाव में साफ दिख रहा है। यहाँ बहुत सारे पद खाली, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा पद रिक्त है, लेकिन भर्तियों का कोई सवाल नहीं है। हमारे यहाँ भर्तियाँ हुई, लेकिन भर्तियों में काफ़ी धांधली हुई, पेपर लीक हुए। गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना ला के पूरी आर्मी की जो सिस्टम था भर्ती थी उसको ख़त्म कर दिया। तो मतलब देश के युवा के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है सरकारें, सरकार किस लिए चुने बताओ। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है, मैं हूं मुकुंद। अभी हम अभी राजस्थान में, जैसे कि सब जान रहे, चुनावी माहौल चल रहा है। इसी चुनावी माहौल में न्यूज़ क्लिक की चुनावी टीम भी लगातार राजस्थान के जो शेखावटी रीजन का उसका दौरा कर रही है। ये पूरा क्षेत्र एक तरीके से कृषि पर आधारित रहा है, जो कि इस पूरे इलाके में बहुत बड़ी कोई उद्योग धंधे उस तरीके के नहीं है। तो इसलिए आगे इस इलाके में नौजवानों के पास रोज़गार का जो एक बड़ा जरिया है, या तो सरकारी नौकरी, दूसरा सेना और सिविल जो सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती का रहा है, और बड़ी संख्या में ऐसे लोग सेना और पुलिस में भर्ती होते रहे। इसके अलावा इस पूरे इलाके में जो आर्थिक देखेंगे तो किसानी ही खेतीबाड़ी एक आर्थिक आधार है जो स्थानीय स्तर पर मौजूद है। तो इस पूरे इलाके में जब हम कई विधानसभाओं में गए, तो इस एक बात जो कॉमन हर विधानसभा में दिख रही है वो ये है, जो यहाँ जो नौजवान हैं, नौजवानों के मुद्दों में सबसे बड़ा जो सवाल है, एक तो बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी का जो कारण है, जो पिछले कई दिनों में जिस तरह से राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुए, एक बड़ा सवाल उनके बीच में ये है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने जो सेना की भर्ती, जो स्थायी भर्ती होती थी, उसको अग्निवीर का नाम देके, जो 4 साल का एक टर्म, उसको लेके भी नौजवानों में भारी गुस्सा है, वो भी इस पूरे इलाके में एक बड़ा सवाल बनता दिख रहा है। इन्हीं बेरोजगारी और नौजवानों के सवाल पर हमने इस पूरे इलाके में कई जिलों में अलग अलग विधानसभा नौजवान से बात की है। सुनिए उनका क्या गुस्सा है, उनके क्या सवाल हैं सरकारों से, और ये इन सवालों के आधार पर ही वो मतदान की तैयारी कर रहे हैं। मैं अजीत सिंह पूनिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, बीकानेर विश्वविद्यालय। युवाओं, क्या सवाल लगता था आपको चुनाव के केंद्र में होना चाहिए, इस पर बात इस तरीके से नहीं हो रही चुनाव? चुनाव में युवाओं का बेरोजगारी से संबंधित मामला है। हमारे यहाँ भर्तियाँ हुई, लेकिन भर्तियों में काफ़ी धांधली हुई, पेपर लीक हुए, और इसी के साथ खेल से जुड़े जो युवा हैं उनके लिए भी रोज़गार के अवसर नहीं है। अग्निवीर से निश्चित रूप से जो यूथ तैयारी कर रहा था उसमें निराशा का भाव है, लेकिन रोज़गार का कोई विकल्प नहीं होने के कारण कुछ युवा अग्निवीर योजना की तरफ है। क्या इन सबका असर इस चुनाव में है, पेपर लीक का या अग्निवीर सवाल चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेपर लीक का बहुत बड़ा इशू है। बच्चा जब, विद्यार्थी जब पेपर दे के घर आता है, उससे पहले सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो गया है, तो बड़ी निराशा आती है, और भर्तियाँ पूर्ण करने में काफ़ी समय लगता है। इसके दौरान बच्चे कोचिंग सेंटरों में, अपने घर से दूर, काफ़ी समय उनका जो इम्पोर्टेंट समय होता है वो जाहिर होता है। नौजवान के लिए वो कोई भी ऐसी रूपरेखा तैयार नहीं करके बता रहे हैं जनता के बीच में जाते हुए कि हम आने वाले समय में नौजवानों को नौकरियां देंगे, क्योंकि हम ये नौकरियों का सवाल नौजवानों के लिए इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे सरकारी सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र हैं, तमाम के तमाम के अंदर जहाँ बहुत सारे पद खाली, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा पद रिक्त है, लेकिन भर्तियों का कोई सवाल नहीं है। अभी जो कांग्रेस की रिसेंटली सरकार थी, इसकी भर्तियों के अंदर 14 पेपर आउट हुए हैं। नौजवान सरकार की नीतियों से बहुत दुखी है, चाहे पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने भी समय पर भर्तियाँ नहीं करवाई थी, उसी की बीजेपी की सरकार के अंदर भी पेपर आउट हुए, और वही पुनरावृत्ति गहलोत सरकार की, कांग्रेस सरकार के अंदर ये रिपीट हुआ है। हम सरकार से और नौजवानों का जो खास तौर के ऊपर जो मुद्दा है वो रोज़गार का मुद्दा है। राजस्थान के अंदर अगर हम शिक्षा की बात करें, अभी पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारे सरकारी कॉलेज खोले हैं, लेकिन वो सरकारी कॉलेज पूर्णतया सरकारी न होकर सोसाइटी एक्ट पे वो लोग दे रहे हैं उसको। तो हमारी सीधी सीधी मांग है राजस्थान की सरकार से, आने वाली जो भी सरकार बने, और हम वोट भी उसी को करेंगे जो जनता के लिए लड़ेगा, जो नौजवान की बात करेगा, जो विद्यार्थी की बात करेगा। बात तो होनी चाहिए, लेकिन बात हो नहीं रही है। वादे तो सभी करते हैं, लेकिन वादों पर खरा नहीं उतरा कोई भी। मोदी भी सत्ता में आया था तो युवाओं के लिए बहुत वादे किए थे, 2 करोड़ रोज़गार के, रोज़गार दिया नहीं, रोज़गार ख़त्म ही किया है। राजस्थान चुनाव में युवा कहाँ है, आपको दिखता है युवाओं की बात, युवा क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है चुनाव के बारे में? युवा रोज़गार के बारे में है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी भर्तियाँ तो खूब निकाली, लेकिन अभी तक नियुक्तियाँ पूरी मिली नहीं है। इसमें पेपर लीक है, कोई पेपर आउट हो गया, किसी कोई भर्ती है वो कोर्ट में टिकी हुई है, किसी में नियुक्तियां मिल गई, उसमें आरोप लग रहे हैं अभी,
जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उसके आवास पे रेड चल रही है ईडी की। ये हमारा शेखावाटी बेल्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रेलवे और आर्मी में भर्ती होते थे। आर्मी को तो अग्निवीर बना दिया और रेलवे में निजीकरण करके वैसे नौकरी ख़त्म कर दी, बचा ही नहीं है ऑप्शन ही। नौकरी के नाम पे बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, पूरा सिस्टम बेच दिया, नौकरी वगैरह कुछ रखा ही नहीं उन्होंने। मैं खुद इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ। जो लड़का इतनी मेहनत करके पढ़ाई करता है, नौकरी मतलब गांव में हम तैयारी करते थे, मैं खुद आर्मी की तैयारी करता था और भर्तियाँ होती थी प्रतिवर्ष हमारे सीकर, मतलब भर्ती होती थी। अग्निवीर बनाने के बाद पूरी भर्तियाँ हो गई बंद। अग्निवीर बनाई उस टाइम भी मतलब हजारों युवा थे, उनका पूरा मेडिकल फिजिकल फिट थे, उनकी ज्वाइनिंग होना बाकी थी। मोदी सरकार ने उनको बोला तुमको अग्निवीर से फिर से मतलब ये तैयारी करनी पड़ेगी। अब बताओ उस मतलब जितने वो लाखों युवा थे वो तो एजोर हो गए, अगली भर्ती में एजोर हो गए, उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया, वो घर पे बैठे हैं खेती कर रहे हैं। तो अग्निवीर योजना मेरा तो यही कहना है कि मोदी सरकार की सबसे घटिया योजना है। सर, नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा एक तो ये होना चाहिए पेपर चोरी का, जो हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना ने हमारे यहाँ जो किसान वर्ग के जो बच्चे थे, हम जैसे किसान वर्ग से मजदूर वर्ग से आते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं थे, जो शहरों में बड़ी बड़ी स्कूलों में दाखिला करवा सकें, आगे जाके तैयारी कर सकें, जो हमारे सबसे बड़ा जरिया था आज देश सेवा करने के लिए आर्मी थी। गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना ला के पूरी आर्मी की जो सिस्टम था भर्ती थी उसको ख़त्म कर दिया। क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा बनेगा? ये सबसे बड़ा नौजवानों में रोष ही अग्निवीर को, क्योंकि आप सुबह निकलोगे ना हमारे गाँव में, तब पहले आपको एक गांव में 200-250 लोग तैयारी करते हुए मिलते थे रोडों पे, गांव के खेल ग्राउंड में वहाँ वो प्रैक्टिस करते हुए मिलते थे। अब लास्ट वो संख्या पहुँच गई 5 या 10। और आप अग्निवीर योजना है जो एक बैच 4 साल का पूरा होगा, पीरियड पूरा होने के बाद आप गांव में उसका रिजल्ट देखना, केंद्र सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, राज्य सरकार जिसने उनका समर्थन किया हो इन बात में, जो हमारे लोकल नेता हैं, उनका इतना बड़ा रोष मिलेगा। जैसे किसान आंदोलन था उसमें कैसे जनमानस की भावना थी, वैसी जनमानस की भावना अग्निवीर योजना में आपको एक पीरियड पूरा होते होते और जो किसान वो अग्निवीर योजना के फौजी हैं वो शहीद होकर लौटेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगी पूरे देश को कि रोष और ये किसान आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट तैयार होकर निकलेगा। जैसा कि इस पूरे वीडियो में आपने देखा, जो नौजवानों में अग्निवीर, पेपर लीक और बढ़ते बेरोजगारी को लेकर कितना रोष है और वो चाहते हैं जो ये चुनावी मुद्दा बने। हालांकि ऑन कैमरा बहुत सारे युवाओं ने कहा ये सवाल उनके चुनावी मतदान के दिन तक कायम रहेंगे, लेकिन हमें अब इसका इंतज़ार करना होगा, इसका नुकसान और इसका फ़ायदा किसको मिलता है, इसका नौजवान इस मुद्दे आधारित मतदान करता है या नहीं करता है, उसके क्या परिणाम होंगे, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम के दिन ही सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।